जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब तक तो आप लोग जान गए होंगे आज हम लोग जर्नी करने जा रहे हैं ट्रेन नंबर 04266 देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस में। दोस्तों हम लोग इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे लखनऊ चारबाग से अप टू रायबरेली जंक्शन। तो आइए दोस्तों इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और एक्चुअली आज मुझे यहाँ पे आने में थोड़ा लेट हो गया और ट्रेन बहुत छूटने वाली थी, तो आपको थोड़ा बाहर के व्यू नहीं दिखा पाया लखनऊ चारबाग का। बट दोस्तों मैं आपको स्टेशन का पूरा लुक दिखाऊंगा इसमें। और अभी हम लोग यहाँ से नीचे उतर रहे हैं इसके प्लेटफॉर्म नंबर 2 साइडिंग पे, और यहाँ पे हम लोग की फिलहाल ट्रेन नंबर 04266 जनता एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही हम लोग को खड़ी मिल जाती है। बहुत पहले आ गई थी और मुझे आ जाने में अभी काफ़ी लेट हो गया है। तो चलिए पहले अपनी सीट के पास चल लेते हैं। फिलहाल आज जो मेरी सीट है वो सर D1 कोच में है, और जो कि आज फ्लत से पीछे लगा हुआ है। तो चलिए थोड़ा जल्दी से चलते हैं पीछे और फिर आपसे बात करते हैं इस ट्रेन के बारे में। दोस्तों लखनऊ चारबाग जो कि 9 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, पर डे यहाँ पे 255 ट्रेन का हॉल्ट है। 33 ट्रेन ओरिजिनेट एंड टर्मिनेट करती है। दोस्तों लखनऊ से काफ़ी ज़्यादा रूट गए हैं और काफ़ी सारे मेन जगहों पे रूट गए हैं। अगर मैं उन रूट्स की बात करूँ तो फैज़ाबाद का रूट गया, यहाँ से वाराणसी के लिए रूट गया है, और उसके साथ साथ रायबरेली होते हुए प्रतापगढ़ वाराणसी के लिए रूट गया है। दोस्तों लखनऊ से कानपुर का रूट गया है, शाहजहाँपुर होते हुए बरेली मुरादाबाद नई दिल्ली के लिए रूट गया है। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मुख्य स्टेशन बन जाता है और काफ़ी ज़्यादा मेन स्टेशन हो जाता है। अगर हम लोग इसे जोन की बात करें तो नॉर्थन रेलवेज में आता है ये, और डिवीज़न बात करें तो दोस्तों लखनऊ एक खुद डिवीज़न है। दोस्तों सामने ट्रेन जो देख रहे डिपार्ट हो रही वो है हम लोग की 04123 प्रतापगढ़ कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। दोस्तों इसमें मैंने जर्नी की हुई है बछरावन तक की। दोस्तों अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो आप जाके व्लॉग देख सकते हैं, वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। दोस्तों एकदम राइट टाइम 8 बजे हम लोग का डिपार्चर हो चुका है लखनऊ चारबाग से, और यहाँ सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अराइव हो रही है हरिद्वार हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस। दोस्तों हरिद्वार के लिए और हावड़ा की सबसे बेस्ट ट्रेन मानी जाती है, इसके हॉल्ट्स काफ़ी ज़्यादा कम है और ये सुपर फास्ट ट्रेन की तरह ही चलती है। और यहाँ पर हम लोग को मिलता है एक पैरेलल अराइवल और डिपार्चर का सीन। तो चलिए यहाँ से आप मजा लीजिए इस डिपार्चर का और साथ साथ कुंभा एक्सप्रेस के अराइवल का। तो चलिए आपसे थोड़ा मिलते हैं आगे, और मैं आपको बताता हूँ जनता एक्सप्रेस के बारे में। 04266 देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस जो कि रोज़ शाम को 6:15 पर चलती है देहरादून से, और आपको अगले दिन पहुँचाएगी वाराणसी दिन के 3:40 पर। दोस्तों ट्रेन लेती है 21 घंटे करीब और डिस्टेंस ट्रेवल करती है 846 किलोमीटर विद द एवरेज स्पीड ऑफ 39 किलोमीटर पर आवर, और मैक्स परमिशन स्पीड की बात करें तो इसकी है 110 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों ट्रेन में अभी भी आईसी ब्रेक है जो कि फिलहाल अभी उत्कृष्ट ब्रेक हो चुके हैं, थोड़े बाद को इसमें फैसिलिटीज अच्छी मिल जाएंगी। और अभी फिलहाल हम लोग का डिपार्चर हो चुका है लखनऊ चारबाग से।
तो दोस्तों आप जो सामने लाइन देख रहे हैं ये जा रही है ट्रांसपोर्ट नगर की ओर और अभी हम लोग फिलहाल पहुंचने वाले हैं उदेड़िया जंक्शन। दोस्तों उदेड़िया को जंक्शन इसलिए कहा जाता है, यहाँ से पहली जो लाइन जाती है वो जाती है लखनऊ चारबाग जहाँ से हम लोग आ रहे हैं। आप जो सामने लाइन देख रहे हैं ये जाती है ट्रांसपोर्ट नगर की साइड आलम नगर और जिसको कनेक्ट किया जा रहा है, और दूसरी जो तीसरी लाइन है वो जाती है रैबिक तरफ, और जो चौथी लाइन है वो जाती है वाराणसी की ओर। ज़्यादा देख रहे हैं यही जाती है वाराणसी की ओर, और अब हम लोग बढ़ चुके हैं अपनी रैबी लाइन की ओर। चलिए आपसे मिलते हैं सीधा इसके स्टेशन पर। दोस्तों लखनऊ से 47 किलोमीटर्स कवर करने के बाद अब हम लोग पहुँचेंगे मछरावन, और इसका यहाँ पर अवेलेबल का टाइम 8:50 AM का था और हम लोग यहाँ पर राइट टाइम आए हैं। दोस्तों अगर हम लोग मछरावन की बात करें तो यहाँ पे ये दो प्लेटफॉर्म स्टेशन है, पर डे यहाँ पे 39 ट्रेन का हॉल्ट है, और मैंने मछरावन से जर्नी भी की है लखनऊ वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस में, और उसमें मैंने मछरावन को डिटेल में भी कवर किया हुआ है। अगर आपने अब तक वो ब्लॉग नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे ब्लॉग देख सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, और उसमें पूरी जर्नी हुई है रैबी जंक्शन तक की। तो चलिए यहाँ से लेते हैं डिपार्चर और कंटिन्यू करते हैं रैबी तक।
अब हम लोग पहुँच चुके हैं हरचंदपुर। अगर हरचंदपुर की बात करें तो दो प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। पर डे यहाँ पे 23 ट्रेन का हॉल्ट है और यहाँ पर फिलहाल अभी दो अनरिजर्व ट्रेन चल रही हैं। दोस्तों ज़्यादा कुछ खास है नहीं यहाँ पर, और चलिए यहाँ से सीधा आप तो मिलते हैं डिपार्चर पे। चलिए मैं आपसे थोड़ी बात कर लेता हूँ रेलवे जंक्शन के बारे में। दोस्तों रेलवे जंक्शन एक चार प्लेटफॉर्म का स्टेशन है जहाँ पर डे अभी 72 ट्रेन का हॉल्ट है, जिसमें कि अभी 2 अनरिजर्व ट्रेन इसमें ऐड हो चुकी है, जो कि हम लोग की 04123 प्रतापगढ़ कानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस। और दोस्तों अभी रेलवे जंक्शन पे फिर से रीडेवलपमेंट का वर्क चल रहा है और अभी काफ़ी इसको सुंदर बनाया जा रहा है, और फिलहाल हम लोग की ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइव हो रही है। अब दोस्तों एंड में आपसे यही चीज़ कहूँगा, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे जर्नी वीडियोस अपडेट्स वीडियोस लाता रहता हूँ, और अगर दोस्तों अगर आपको हम लोग के एफर्ट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ लाने के लिए। दोस्तों मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नए ब्लॉग वीडियो रेल फैनिंग और ऐसे वो स्पॉटिंग्स न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।